किसी ने सच का पता नहीं लगता किसके नसीब में की है। जिसके नसीब में जो होना, जिस दिन जो कुछ मिलना उसने वो मिल कट है, वो मेरे साथ हो गया। राम राम जी सारा ने, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल देसी ज्वाइंट फैमिली में भाई एक बार फिर से। आज दिन है मंगलवार का और आज हमने बहुत लेट स्टार्टिंग करी है ब्लॉग की। भाई सोचा माइक तो शुरू करे ली, मैं पूरा दिन जा लिया कभी मन नहीं था। अरे भाई हमारी गाड़ी के दौरे खड़ी हूँ मैं, मेरी जिठानी बैठी है मशीन पर, अरे वीडियो बनेगी बहुत बड़ी यार, देखते रही हो। जिसके नसीब में जो है ना वो ना मिल कट है। आज मेरी गला भी नहीं बनाया है तो भी मैं दिखाती हूँ, पिंडी मुँह तो सुनाऊंगी आज मेरी गला के बनाया भाई। देख लो मेरे नसीब में आज के थे, वापस बना मैं दिखाऊंगी के बनी थे आज मेरी गला। तो मैं जाऊँ थी नार लेने ताई, अरे मखा बड़े नार रहा हूँ पौधा, मैं दिखाऊंगी बारी में एक आदमी बैठे पर दिखा नहीं सकती। मखा लाइने काट को जड़ता और दिशा जा कर उसका हाथ मारा, उन्होंने कहा अगर जो बाप की चोट हुआ उन्हें मिल कट है मेरी गला के बनी थी। आप सब दिख सकता मेरा हाथ कितना भारी हो गया, कितना मोटा ताकतवर देखा ना खाते ना तो तीन बार बैठती थी। देख कितना मोटा हो रहा है, आई हूं तो मैं रियल में इतनी मोटी हो जाऊं। देख के सुतरा लगा है नहीं, हम तो सुतरा है, बड़े सुतरा लगा फिर मेरी फिगर हो गई बैठ मोटी है बीच है। और मैं जिसी गई मैं इतनी काट दिस को देना, वो है गुलाब के फूल का है, गुलाब के फूल ना गंदी का या देखो ये पिंकी ने सलवार सीन दी कितनी बढ़िया है एकदम, इसका तो ऐसा लग रहा है मतलब स्कर्ट सी सीन दी है ना। लेस ना धरते है मैं ने बेचारी बड़का गया है पीछे पूरी सलवार काटी है सीमी जी भाई, पता नहीं दिन इतने छोटे छोटे हो रहे ऊपर तो हमने कई सूट सिमने पड़ा है तो फिर नहीं मेरी गल रात उस जगह अपना रात भी गिर दी, रात रेत गिर दिया उस एरिया में, अगर निकलेगा तो पता लग जाएगा तो भाई उड़ा कोई सांप के निशान नहीं पाया, इसका मतलब पाइप में सांप नहीं था वो चल भी बुझ लिया करो। देखो मेरा हाथ कितना भारा होगा, दिखता नहीं है तुमने दे रियल में, रोज का काम हो रहा है। और इब्बो तो भी रड़के तुमने देखी को ना परले का ने कितना भारी छत्ता, दोनों बड़ बेरिया पर दो छत्ते भी रड़ा के कूड़ा तो मे है खूब सारी, दो बार लेंटर में बैठे कल आइट मंगवाऊंगे तेरे पापा का, अरे कपड़े तह के रखे चल मना ना छेड़े हूँ बैठे डर तो लग गया है इतनी भी रड़ाता है मेरा, तू इतनी फाकते समय पौधा नहीं है जिसमें फूल नहीं आते गंदे का लंबा सारा, मैं झुक रहा था मैंने खाई ने पकड़ कर काट दू जरा तिले काटने चाली थी तो जिसका उसका हाथ ला तो दो तीन भीड़ थी मेरा टच कर दी काटा लग गया हाथ में इस जगह पर, ये नजदीक तो दिखता होगा लड़ा आड़ रही है इस जगह पर सोई हाथ पर चढ़ रही है, मेरा भी इसी जना पांच दस भीड़ तो लड़े ले हैं चल मने मेरा था उस पौधे में भीड़ है ध्यान तो करूँ मैं हूँ सांप हो लड़ जाएगा और के था क्या लाया था घर में शुक्र भगवान का चला गया उल्टा। अभी भी काम सारा कर रखा है, रसोई के बर्तन बर्तन धो रखे हैं, कति साफ सुथरी रसोई है बिल्कुल स्लेप स्लाप कति साफ है। एक चाय का पतीला क्योंकि चाय मैंने भी इनके पापा की बनाई थी, वो इनके पापा की भी आई थी गलत है उनकी खांड की बनानी पड़ा, वो चीनी की नहीं पिया करते। बस ये साग सब्जी में देखती हूँ आज के बनाना, आज मैं बनाऊँगी क्योंकि जाऊँगी मार्केट में दाल डुबकी का काम करूंगी क्योंकि भाई काम बहुत ज्यादा हो जा रहा हो रही है, गर्मी मौसम कति खराब सा हो रहा है हमारे यहाँ, बारिश नहीं होती, पता नहीं भगवान कौन सी चीज का बदला ले रहा है, बादल तो हुए हैं देख लो, बादल तो हुए हैं, बादल तो पूरे हुए हैं, मौसम एंडी कर रखा है पर बारिश बिल्कुल नहीं होती कत्ती भी, अगर बारिश से हो जाती है मौसम खराब में बदल काट दूंगी, अगर हमारी कचरी कुछ सूखगी कुछ रह रही है पड़ पर जाओगे तो मार्केट में जाओ देख लो भाई बरंडा देख लो हमारा, बस पेदी होनी रह रही इस पर करवाऊंगे देख लो। बस दो उधार भी दिया सारा मैंने, पानी पुनी गिर लिया और सारा कुछ फिट हो गया करती, बस इसमें हमारे कपड़े कपड़े सूखेंगे, कपड़े सूखने का बारिश बाहर अगर बारिश आ जाए तो अंदर कपड़े सुखा दे, बाकी तार बार भी बतेरा भाई खुले घर की भी नारी है मौज है, मेरी चुनरी बटली कर दी मैं तय करूंगी इनकी तेरा बटिया
कर दूंगी क्या दिक्कत है, कर दूंगी मैं क्या नट्टू हूँ क्योंकि बड़ा तो चाहे एक दिन हो चाहे एक साल हो, बड़ा तो बड़ा ही हुआ है, समझे ना तुम ये बात? तो मैं सारी समझू हूँ नू क्या कत्ता है, जिस दिन पैदा हुई जिस दिन मैंने संभाला दिते मेरा नहीं पता का बढ़िया है कर दी पिंग सारी चुंदड़ी हैगी कपड़े पहले जा लिए आई प्रेस करनी जान रहेगी प्रेस ना होवे ले कपड़े कभी शाम नहीं करूंगी तो क्योंकि भाई आज भी कपड़े धोए थे कल बुधवार है कल भी धोने हैं तो आज ज्यादा हो रहे थे पिंकी कहने लगे आज भी धो ले तो बाकी बच्चे कल गुलाबी ड्रेस पहन के जाओगे ना तो फिर उनका प्रेस करनी बहुत जरूरी है। मौसम हो रहा है खराब, ये कचरी कल पिंकी ने काटी थी ये जो हमारी कट्टे पर रखी है और बाकी ये सूख ली है। अरे मैं दार निकाल लूँ फिर मिलेंगे आप सबसे। अभी हो चुका है टाइम बहुत लेट, मम्मी अब खाना बना रही है, छोक लगा रही है सॉरी। और मम्मी किस चीज सब्जी में छोक लगाऊं? यार सुबह की सब्जी थी आलू राजमा की। अच्छा तो फिर मम्मी जा रही है मार्केट में, आज मेरे तक एक जा रही है ठीक है मारे खातिर के लाऊंगी मम्मी भाई वो लेकर आओगी जब देख लिए दिखा दिए दिखा देंगे गाइस। तो भाई अभी मैंने सब्जी में छोक लगा दिया है और ये लाल मिर्च गिर दी ना इनका टेस्ट अच्छा आ गया है। दोबारा फ्राई करना मैंने कोई भी सब्जी उसका टेस्ट बहुत बढ़िया बना है। मैं फटाफट एक बाटा लगा दूं और आज पिंकी जरूर नु कह देगी तो ना काम बहुत कर दिया क्योंकि उसके जाने के बाद मैंने सारा गाय का काम कर दिया, पैक कुक कर दिया, पानी भर दिया, आधार कार्ड दी, दूध दाद गर्म कर दिया, सारा कुछ कर दिया, सब्जी में तड़का लगा दिया है और ये बस मैं एक बाटा और लगा दूँ तो फटाफट रोटी बना दूंगी। पिंकी कह पीछे मिलेंगे ठीक है इतने जोड़े वर्क ले आई है सारे छोले छाले हल्दी उड़दी गल थी इतना समान लेने गई थी सारी सब्जी लेने गई थी काम सारा करे पाई हूँ आज तो कुछ ना चल भैया।
अपनी दवाई ला 300-400 रुपए दवाई होगी मोटरसाइकिल तू बड़ी होगी बड़ा तर लग सामान ना यो बिरादे मम्मी में चप्पल दवा के मेरी चप्पल टूटी पड़ी कोई नहीं लगता हाँ पानी पड़ जाए मेरी कंजूस पे लाई क्यों नहीं अपनी सामान की सारी खरीदारी कर लिया जरा डोबरे भी नहीं होने चाहिए धो दूंगी मैंने काम कितना करा सारा क्यों तो पहले डाल गया पानी बनाने